कोटा में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने नियमित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन का धरना दिया। इस दौरान स्वास्थ्य सहायकों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नारेबाजी भी की। वहीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन में सरकार ने सहायकों के बारे में नहीं सोचा तो राजस्थान के 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक सीएम अशोक गहलोत के आवास के बाहर धरना देंगे। स्वास्थ्य सहायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 4 महीने सेवाएं देने के बावजूद उनका वेतन नहीं दिया गया है और अब अचानक उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हम पूरे राजस्थान में 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक लग रहे, अपने कोटा जिला में 778 कोविड स्वास्थ्य सहायक लग रहे, जिनका कार्य कोरोना वैक्सीनेशन और कोरोना सैंपलिंग का है। पिछले 4 माह से संपूर्ण कोटा जिले में हम कोविड में कार्य कर रहे हैं। इतनी कोविड की तीसरी लहर में हमने दिन रात काम किया। स्टेशन पे 3-3 टीमें लगा के दिन रात घर घर जाकर सैंपलिंग की। दिन सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हमारी माताएं बहनों ने डिब्बा वैक्सीन के डिब्बे पे ले खंजे पे लेकर गली गली घूमकर वैक्सीनेशन किया, जब जाके राजस्थान में कोटा जिला 2 नंबर पर आया। परंतु कल रात को 31 तारीख को रात को 11 बजे कोटा के सीएम जो साहब आदेश निकालते हैं कि समस्त कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त की जाती है, जबकि हमें 4 महीने से 1 रुपया भी वेतन नहीं मिला है। हमारे ऊपर इतना कर्जा हो चुका है, फिर भी हम सरकार के काम कर रहे, एक कार्य समाज सेवा का कार्य कर रहे, जबकि हम सब JNM BSc नर्सिंग किए हुए हम दिन रात मेहनत करके हमने हमारा कार्य किया। हमने सोचा था हम 25-25-30,000 रुपये की नौकरी छोड़ के हम आए थे कि सीएम सरकार हमें नियमित करेगी, सरकार हमें कुछ देगी। बहुत ही अल्प वेतन पे 7,900 रुपये जो पिछले 5 माह से अभी तक हमें मिला नहीं है। कलेक्टर साहब के पास जाते तो कलेक्टर साहब कहते हम मीटिंग करेंगे, सीएम जो साहब कलेक्टर साहब का नाम लेते, परंतु अभी तक कोई बजट नहीं आया। वेतन देना तो दूर, कल हमें नौकरी से समाप्त कर दिया। अगर 3 दिन के अंदर हमें वापस नौकरी पर नहीं रखते तो सोमवार को गहलोत साहब का बंगले के बाहर पूरे 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक जयपुर का चक्का जाम कर देंगे, जयपुर में कूच कर देंगे। 2 दिन के अंदर अगर हमारे वापस कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बहाली नहीं की जाती है तो जयपुर में कूच होगी। गहलोत साहब का बंगले के बाहर गहलोत साहब को निकलने नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि उनके ऊपर काफी कर्ज हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उनकी एक नहीं सुन रहा है। बहरहाल स्वास्थ्य सहायक अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, साथ ही सरकार को चेतावनी भी दे डाली है। अब देखना ये होगा कि कब तक प्रदेश सरकार की ओर से इनकी मांगे मानी जाती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।